शैलेश मिश्रा यही रहते हैं ना? जी हाँ। क्या वो घर पर है? नहीं, वो ऑफिस में है। आपसे मिलने को कहा था क्या? Not really। मैं पूना से आई हूँ, उन्हें मालूम नहीं है। मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं क्या? आप उनके साथ काम करती हैं क्या ऑफिस में? अरे नहीं नहीं, सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं करुणा हूँ और आप उनकी बहन होंगी। बहन? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में उनसे। नहीं नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, बीवी हूँ। उनकी बीवी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ। अंजू, अंजू मिश्रा। और आप? मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ 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 हाँ। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया? चलिए चलिए अंदर चलिए। हाँ चलिए मेरे साथ। ध्यान से बैठिए, धीरे। देखिए, आई एम वेरी सॉरी, मुझे भी उतना ही धक्का पहुंचा है जितना आपकी। तभी तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी दवा 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 कहाँ है? कहाँ है आपकी दवा? कहाँ है? एक मिनट, ये लीजिए। पानी 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 पानी। ठीक है ना? दिल की कमजोरी की बीमारी है। Are you feeling better? आप जो कह रही थी मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं शैलेश की, मेरा मतलब आपके हस्बैंड की मंगेतर हूँ। देखिए, लेकिन ये तो मेरी अंगूठी है और ये तो खो गई थी। शैलेश मुझे कभी यहाँ का पता नहीं देता था, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था ताकि मैं बॉम्बे ना आऊं। अब समझ में आया वो ऐसा क्यों करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शैलेश, मेरा मतलब आपके हस्बैंड अक्सर पुणे आते हैं, वो काफी टूर पर जाना पड़ता है। मैं पुणे में रहती हूँ, वहाँ एक नर्स का काम करती हूँ। एक बार हम लोग मिले और बस हमारे बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गई। जब भी मैं पूछती थी कि हम लोग शादी कब करेंगे तो वो कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनकी कोई बीमार बहन है जो दिल की मरीज है और सारा पैसा उसी के इलाज में खर्च होता है। लेकिन उनकी तो कोई बहन नहीं है। एक दिन जब वो सो रहे थे तो मैंने उनका ब्रीफकेस यूं ही खोलकर देखा तो उसमें ये चिट्ठी मिली। इस पर उसका एड्रेस लिखा था, यहाँ का एड्रेस। मैंने ये चिट्ठी रख ली। मेरे पास 3 दिन की छुट्टी थी, सोचा यहाँ आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अब समझ में आया वो मुझसे झूठ बोलता रहा, मुझे धोखा देता रहा। वो मेरे डैडी कहते थे उन्होंने मेरे पैसे देखकर मुझसे शादी की, वरना ऐसे हैंडसम आदमी ने मुझ में क्या देखा होगा। मैं ऐसी बीमार और मैं सोचती थी वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। झूठा कहीं का, दो औरतों को बेवकूफ बनाता रहा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने और आपकी भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। हम लगता है वो आ गए। वेरी गुड, आज पूछ ही लेते हैं। नहीं प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मैं पास ही में रह रही हूँ, हम इस विला में। आधे घंटे में आप मुझे आकर वहाँ मिलिएगा। जरूर मिलेगा, मैं वेट करूंगी। और उन्हें शक नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे वाह, बड़ी शांति है। मुझे लगा घर में कोई है ही नहीं। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। कितनी कमजोर लग रही हो तुम। नहीं तो मैं ठीक हूं। दवा तो टाइम पे ली ना। हाँ। ये परफ्यूम कब से लगाने लगी हो तुम? जी वो मेरी नहीं है, शीला आई थी ना। शीला? कौन शीला? शीला मेरी सहेली, उसने मुझे घर पर बुलाया है। उसकी बहन आई है ना बाहर से, उसे मिलने। उसकी बहन भी है? हाँ, मुझे अभी जल्दी जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये तो मेरे भाई का है, ये यहाँ कैसे आया? हाँ, वो मैं किताब पढ़ रही थी ना तो नीचे गिर गया। ख्याल से ये तो मेरे ब्रीफकेस में था। मुझे अभी जाना है, वापस आकर बात करते हैं। हाँ। देखिए, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सहन कर सकती कि कोई आदमी मुझसे झूठ बोले और साफ निकल जाए। उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो अपने आप को समझता क्या है, धोखेबाज कहीं का। लेकिन आप कर ही क्या सकती हैं। मैं शायद डिवोर्स ले सकती हूँ। बस डिवोर्स? आप उसे डिवोर्स देकर खुश हो जाएंगी? एक आदमी आपसे 2 साल तक रोज झूठ बोलता रहा, किसी दूसरी के पास जाता रहा, मेरे पास आता रहा, और आप उसे डिवोर्स देकर खुश। मेरे लिए तो ये काफी नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बदले में किसी की जान? किसी की नहीं, उसकी, जिसने मुझसे झूठ बोला, और आपसे भी। आप ऐसे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हैं जो इतने दिनों तक आपको धोखा देता रहा? आपकी तो शादी झूठ है, सर शैम। क्या पता उसकी 3-4 और गर्लफ्रेंड्स हो यहाँ वहाँ, और आपको पता भी ना हो। अगर मैं बॉम्बे नहीं आती तो आपको पता चलता मेरे बारे में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? हम उसके विश्वासघात का बदला लेंगे, उसकी जान लेकर। कैसे? हम पकड़े नहीं जाएंगे? पहले तो आप बताइए, आप पूरी तरह मेरे साथ हैं? पूरी तरह है ना मेरे साथ? हाँ। सच? ठीक है। मेरे पास एक आइडिया है। वो अक्सर टूर्स पर जाते हैं ना? हाँ, परसों फिर वो टूर पर जा रहे हैं। हेलो, देखो मैं अभी शाम की 6 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर जा रहा हूँ। वहाँ से आगे टैक्सी पकड़ के इंटीरियर में जाऊँगा। नहीं यार, वो इंटीरियर पार्ट्स का दौरा है, वहाँ कोई फोन वोन नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हें फ़ोन कर पाऊंगा। अरे एक मिनट यार, मैं 2-3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ ना, आधे साथ तुम्हें फ़ोन करूँगा। पक्का, दैट्स ऑल, बाय। टिकट हो गया, पेपर भी, कोट भी, चलो बढ़िया। बड़ी अच्छी कॉफ़ी थी तुम्हारी, बस शक्कर कुछ ज़्यादा थे। Oh, I'm sorry. अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम अपना ख्याल रखना। जरा सी भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर गार्गी को बुला लेना, और दवाएं टाइम पर लेना प्लीज। चलो, टिकट हो गई है, फाइल भी है, बस टैक्सी टाइम पर मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम क्यों मुझे ड्रॉप करोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, और तुम्हें ड्राइविंग भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मैं भी थोड़ी हवा खाकर आती हूँ। अंजू, सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। कुछ भी तो नहीं। अब चलिए भी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक तो हो ना? सर चकरा रहा है थोड़ा सा, नींद सी आ रही है। ऐसा करता हूँ, बेंगलोर तक सोता हुआ जाऊंगा फ्लाइट में। नो प्रॉब्लम। भयानक सरदर्द हो रहा है। कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? कहाँ आ गए हम लोग? क्या गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी से बाहर उतरो। उतरो। करुणा, तुम ये यहाँ? क्यों? हमें साथ में देखकर होश उड़ गए तुम्हारे? तुमने तो सोचा था कि हम दोनों को जिंदगी भर इसी तरह बेवकूफ बनाओगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो उतरो। क्या हो? मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? पता है, वो कॉफी जो इन्होंने तुम्हें दी थी ना चलने से पहले, उसमें डालने के लिए मैंने इन्हें कुछ गोलियां दी, जिससे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ब्लड टेस्ट में उसका पता भी नहीं चलता। मैं नर्स हूँ, याद है ना? और ज्यादा चीनी की वजह से आप उसे टेस्ट नहीं कर पाए। क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी कमीनगी का बदला चुका रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? हो सकता है। अंजू, ये नेक काम तुम करोगी? नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम करो। ये लो, कर दो, करो अंजू, मार डालो इसे, मार डालो इस धोखेबाज को, इसने तुम्हें झूठ बोला है, तुमसे फरेब किया है इसने, मार डालो अंजू, मार दो इसे, मार डालो, हाँ अंजू, मार दो इसे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो मैं करती हूँ। देखो देखो अंजू, रोको, मुझे इसे मारने में बहुत मजा आएगा। रुको इसे, ये क्या पागलपन कर रही है? नहीं, मैं इसे नहीं रोकूंगी। तुम भुगतोगी की फिर इसका नतीजा। क्या कमीना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों से लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा था वो बदला लेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल हो गई हो, मर गया ना, किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। जाओ, मेरी मदद करो। नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे इस बियाबान में इसे ढूंढने क्यों आएगा कोई? हाँ, और कोई ढूंढ भी लेगा तो सोचेगा रास्ते में किसी ने मार काट के फेंक दिया, उसका सामान मैं कल ठिकाने लगा दूंगी। अच्छा मदद कर। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही कर लूंगी। करना चाहिए। उसका चेहरा देखा तुमने जब मैंने छुरा भोंका उसकी छाती में? तो देखो देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस अब सांस नहीं ली जाती। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई हम पर शक नहीं करेगा। कल जाते समय मैं उसका सामान भी ठिकाने लगा दूंगी। कल शाम तक मैं बंबई में हूँ, उसके बाद मैं भी पूना चली जाऊंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने मिलके उसका खून कर दिया। नाम नहीं है, लेकिन वो मेरे तो ऐसे देख रहा था, मुझे हद हो गई। तुम अभी भी सोच रही हो उसने क्या कहा? अरे वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, 5 फीट जमीन के नीचे है वो। मैं बदला लूंगा तुमसे, तुम भुगतोगी अंजू, मैं बदला लूंगा तुमसे। रिलैक्स, सपना सपना था। हेलो हेलो, कौन है? रही है, मैं तुम्हें फोन रख देती हूँ। अंजू, अंजू, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? अरे पहचाना नहीं मुझे, माफ करना। मेरे गले में मट्टी भरी हुई है। मैं हूँ शैलेश। नहीं नहीं, देखो मैं तो बेंगलोर जा रहा था, लेकिन तुमने और करुणा ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे अंजू। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, करुणा को भी। नहीं, 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 नहीं। हेलो, करुणा बोल रहा हूँ। मैं हूँ अंजू। क्या हुआ? हाँ हाँ, अभी फोन आया था शैलेश का। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे हो सकता है? वो तो मैं फोन पे नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना। It's impossible। पर ऐसा ही हुआ है, सच मानो। अंजू, रात बहुत हो गई है, तुम थक गई हो, तुम बहुत टेंस हो। सुनो, तुमने सपना देखा होगा। नहीं नहीं, उन्हीं का फोन था, मैं बता रही हूँ ना, उन्हीं का फोन था। अंजू, तुम अब तक सो रही थी, है ना? हाँ। तो तुमने उसे सपने में देखा होगा। हाँ, मैंने देखा। वो बाहर आए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद फोन बजाया, तुम्हें लगा कि फोन बजा है ना? हाँ हाँ। बस, मैंने कहा ना, तुमने बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। तुम बहुत टेंस हो, एक काम करो, स्लीपिंग पिल ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है? देखो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी, सुबह सुबह घर आ जाऊंगी, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अरे कोशिश तो करो अंजू। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए टीवी देखो, कहीं और अपना दिल बहलाओ, और सुनो, उसके बारे में सोचो मत। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हाँ? ओके, गुड नाइट। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। तुमने मेरे लिए कब्र खोदी थी ना, मैं तुम्हारे लिए कब्र खोद रहा हूँ। देखो ना, ये जगह बनाई है ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। एक और कब्र खोदूंगा, करुणा के लिए। तुम्हारे ही हो ना अंजू? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ अंजू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.